मैया जी का चले भंडारा, मैया जी के भक्त पुकारे आओ भक्त आओ भंडारा, खा कर जाना जी प्रसादी लेकर जाना जी, भंडारा खा कर जाना जी प्रसादी लेकर जाना जी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। राजकुमार कॉलेज के सामने करवला पारा में आपने नवरात्रि के समय भव्य पंडाल के दर्शन, 10 महाविद्याओं के ऊपर आधारित जो पंडाल भव्य पंडाल बनाया गया था उसके दर्शन जरूर किए होंगे, लेकिन अब संघर्ष क्लब दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं भक्तों की बड़ी कतार लगी हुई है, भक्त जन जगह जगह से पहुंचे इस भव्य भंडारा में आए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आप देख सकते हैं कितने उत्साहित है भक्त, लाइन में लगे हुए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। माता रानी का ये प्रसाद है, नवरात्रि पूरी हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी जो समिति है उसके द्वारा इस भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ एक बाबा भी मौजूद है, उनसे भी बात करते जानते कैसा लग रहा है उन्हें इस भंडारे में आके। बाबा कहाँ से आए आप? वैसे तो हम सरोना रायपुर से ही है, भगवान जन्म से यही रायपुर के क्षेत्र में ही रहते हैं। भव्य भंडारा का आयोजन हुआ, कैसा लग रहा है? वैसे बहुत बढ़िया है बाबू, ये सब के लिए है, सार्वजनिक है, प्रभु का भंडारा है। आप देख सकते हैं बाबा लोग भी यहाँ पास पहुँचे हैं, उन्होंने इस भव्य भंडारे के साथ स्वागत किया है, तारीफ किए, उन्हें अच्छा लग रहा है इस भंडारे में आके, प्रभु की कृपा बता रहे हैं। आए आयोजन समिति के लोगों से बात करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं समिति के पास, हमारे साथ मौजूद है हर्षित सिंघानिया जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, भव्य पंडाल के दर्शन के बाद आज भक्तगण बड़ी संख्या में भंडारे के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? संघर्ष क्लब दुर्गा उत्सव समिति निरंतर 35 सालों से यहाँ पर दुर्गा जी की स्थापना और गणेश जी की पूजा हम करते हैं। गणेश उत्सव समिति में गणेश जी की पूजा और दुर्गा उत्सव समिति में दुर्गा जी की पूजा करते आ रहे हैं, और उसी के साथ जो पारंपरिक वो है, पारंपरिक एक मानना चाहिए अपने से कि सबको प्रसाद वितरण भी करना चाहिए, तो हमने बूंदी का प्रसाद बांटा हर दिन, लेकिन उसके बाद भी कुछ अधूरा सा लग रहा था, तो हर साल की तरह इस साल भी हम 10 से 15,000 लोगों के लिए भंडारा की यहाँ व्यवस्था की है, तो आए सभी यहाँ प्रसाद लें और प्रसाद लेके माता का आशीर्वाद लें। सर, नवरात्रि का पर्व बीत चुका है, भंडारे की व्यवस्था करी गई है, ऐसे अवसर पर आप रायपुर की जनता के लिए और भक्तगणों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तगणों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अपने धर्म का पालन जरूर करें और रायपुर को और छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। तो ये अभी थे हमारे साथ मौजूद हर्षित सिंघानिया जी, जिनका कहना है कि लोगों को अपने धर्म का पालन जरूर करना चाहिए और भव्य पंडाल का निर्माण हुआ, भक्तगण आए यहाँ दर्शन किए और उसके बाद इस भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है समिति के द्वारा, और लाखों की संख्या में लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं यहाँ पास। हालांकि व्यवस्था करवाई गई थी हजारों की संख्या में, लेकिन जो भक्तों का जमावड़ा है आप देख रहे हैं, लगातार लगते जा रहे हैं, पूरे रायपुर से जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं इस भव्य भंडारे के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। रायपुर की जनता, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी इस भव्य भंडारे में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से जो भक्त है वो यहाँ पास आए हुए हैं और इस भव्य भंडारे का प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज प्लस 21।